you came to in pictures? But I came in pictures. Movies was really not decided. Actress, honestly, मुझे कभी नहीं बनना था. IPS officer बनने का ख्वाब था school में, college में, and छोटे छोटे competitions में part लेके पूना में, and then I decided that I want to participate in Miss India. Miss India का सपना मैंने I think 3 साल से ऊपर देखा था और बहुत genuinely बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी Miss India competition जीतने के लिए, and वो सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा कि Miss India जीत जाओ. Then Miss India happened, and उसके बाद I think you can't go back. पढ़ाई नहीं कर सकते कॉलेज जाके, या फिर काम नहीं कर सकते कोई दूसरा मिस इंडिया जीत के, या घर पे तो डेफिनेटली बैठ के रोटियां नहीं बनाओगे. सो आई थिंक द ग्रेजुअल नेक्स्ट स्टेप इज फिल्म्स थोड़ी इजीली फॉल होती है लैप में, बिकॉज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे ऑल नो यू, एवरीबडी स्टार्ट्स नोइंग यू, यू बिकम लाइक दिस सेलिब्रिटी. तो या एंड देन आई थिंक दैट्स हाउ फिल्म स्टार्टेड, आई थिंक मिस इंडिया बिकॉज ऑफ मिस इंडिया. एंड जैसे कि आपने अभी फिल्म भी आपकी आई, फिल्म आउट, उसके बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रही है, काफी सक्सेस हो गई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला था इट फील्स रियली नाइस, आई एम रियली रियली हैप्पी. जब आप इतनी जी जान लगा के मेहनत करो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ होप्स पिंड अप ऑन एनीथिंग, नॉट ओनली फिल्म्स, ऑन एनीथिंग इन लाइफ, और जब वो फाइनली यू नो उसको सफलता मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है. आपको ही नहीं, जो आपके आसपास भी होते हैं लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. हमारे घर इस साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनी, एंड थैंक्स टू आउच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगी पिक्चर, एंड थैंक्स टू नीरज सर, थैंक्स टू मनोज सर, थैंक्स टू शीतल सर, और या इट्स बिन अमेजिंग, इट्स बिन अ वेरी गुड जर्नी. पूजा, मतलब आपके लिए कमांडो के बाद ये दूसरा कमबैक कह सकते हैं हम लोग, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस सक्सेस को आप? आई थिंक एंजॉयमेंट थोड़ा शॉर्ट लिफ्ट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यू वॉन्ट टू बैक इट अप विद समथिंग एल्स क्विकली. यू नो इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज इतनी जल्दी नहीं मिलती, स्पेशली इफ यू आर नॉट एन इंडस्ट्री किड. I think it's really difficult to get good opportunities, and unfortunately I'm not the girl who settles for anything less. If I feel ki ye project is not going to get me anything, I'm not excited to do it, I will not do it. Isliye commando ke baad I haven't even done anything much, because I have not seen any merit in doing the kind of roles that I have got. So I would want, ideally want this success also to be short lived, and I would want to back it up with something more bigger. बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ईजी नहीं है. आई थिंक रोज ही देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु कम टू बॉम्बे की हु आर अट्रैक्टेड टू यू नो द ग्लिट्स एंड ग्लैमर एंड फेम एंड एवरीथिंग. आई मीन इंडस्ट्री ही ऐसी है, इतना चकाचौन है, इतनी नाम, इतना शोहरत, इतना पैसा, हर एक चीज़ है ये इंडस्ट्री में. So it's only very natural for any youngster to get attracted and want to be an actor. But I think it's important to be realistic. It is important to set a certain time frame and to have something as backup. In fact, me after winning Miss India, Commando होने के बाद भी, I've got like a good break. It's been almost 3 years. So that shows that opportunities don't fall into your lap easily. और वो जब वो एक opportunity मिलती है ना, you have to hold on to it so tightly, and you have to make sure that you give your best and you leave no stone unturned so that people notice you. And that is the sad part. And the good part is the moment the industry or the industry notices some merit in you and your talent, they accept you with open arms. ऐसा नहीं है कि आप outsider हैं तो आपने अच्छी performance करी है, या आप talented है तो भी आपको काम नहीं मिल रहा, ये नहीं होता. अगर आप में talent है and if people have noticed it, then you get accepted and then you start getting more work in the industry. बड़े पर्दे से बहुत दिनों से आप दूर थे, तो कितना miss किया आपने बड़े पर्दे को? बहुत ज़्यादा मिस किया ऑब्वियसली ना. इट्स यू वांट टू सी, मतलब अगर आई एम श्योर मेरा क्या हर एक्टर का बस चले तो एवरी फ्राइडे दे विल कम अप विद अ फिल्म. यू नो ऑब्वियसली वी एज एक्टर्स लव आवर जॉब्स, क्योंकि मोनोटोनस नहीं होता, एक्साइटिंग होता है, एंटरटेनमेंट होना है, इट्स अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट यू नो जिसमें आप जान डालेंगे, जिसको शक्ल देंगे, कपड़े, एवरीथिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस. सो ऑफकोर्स आई मिस्ड इट, एंड आई वुड वॉन्ट टू गेट बैक टू द बिग स्क्रीन एज सून एज पॉसिबल विद समथिंग नाइस. Why short film? Why not big? Neeraj Pandey. Again, Neeraj Pandey. I mean, if he calls you and tells you that he is directing a short film and he has written the story, I mean, there is no way. अगर ये एक what do you say? अगर ये एक cameo या guest appearance भी होता है, I would have still grabbed the opportunity. So I think Neeraj Pandey is the reason I said yes to the short film. मैंने कहा मनोज बाजपेयी. Without even thinking. जैसे कि हमने मनोज बाजपेयी जी फिल्म में, तो क्या कैसे experience था उनके साथ में काम करने का? पहले तो डर गई थी मैं.
कि मनोज बाजपेयी, मेरा लिटरली रिएक्शन ये था जब नीरज सर के ऑफिस में गई थी एंड व्हेन वी वर डूइंग द फर्स्ट वर्कशॉप एंड ही सेड ओ बाय द वे मनोज इज विद यू, आई वाज लाइक मनोज, मनोज बाजपेयी, आई वाज लाइक दिस वाज माय लिटरल रिएक्शन, क्योंकि वैसे ही इन माय हेड आई वाज स्ट्रगलिंग with the fact that I'll be playing away older woman. मतलब ये औरत है, ये इसकी शादी हो चुकी है, इसका एक बच्चा है, इसका extra marital affair है, तो वैसे ही ये matured औरत है, ये complex character है. मेरा कोई experience नहीं है इसमें and मैंने कभी ऐसा character नहीं play किया है, तो I was anyways a little nervous to play that character. Plus मतलब मनोज बाजपेयी अगर सामने आ जाए तो मतलब हवा tight हो जाए किसी की भी, seriously. So, but then I was like, okay. And the first time I met Manoj sir, he just broke the ice. He was cracking jokes, हंस रहे थे. हम दोनों ने एक workshop इससे पहले attend करा था. उसके बारे में याद दिला रहे थे मुझे. He remembered me from that workshop that he was taking and I was a student. And he was really cool, extremely, extremely supportive, very encouraging. In fact, he was the first person who called me. जैसे ही उन्होंने final cut देखा था film का. तो उन्होंने फ़ोन करके बोला दैट यू नो माई वाइफ इज सीन द शॉर्ट फिल्म एंड शी थिंक्स दैट यू आर बेटर देन मी एंड आई वाज लाइक सर बस क्या यू नो यू डोंट हैव टू से दिस सो ही वाज लाइक एग्जैक्टली आई डोंट हैव टू से इट बट आई एम सेइंग इट बिकॉज आई मीन इट यू रियली गुड एंड दिस थिंग इज गोइंग टू गेट यू नोटिस्ड एंड ऑल द बेस्ट यू रियली किल्ड इट अब तो ही वाज सेइंग अब तो यू नो द वर्ल्ड इज योर प्ले ग्राउंड एंड अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे विच इज़ रियली एनकरेजिंग एंड आई कैन आई थिंक वाउच फॉर द फैक्ट दैट अभी तक I was only his acting ki fan, but now I think I'm a huge fan of him as a person. He's an amazing person. कोई टिप्स दी उन्होंने कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे कुछ? अरे यही तो ना सर, कोई टिप्स मैं बोल रही थी सर, अरे तुम बहुत बढ़िया कर रही हो करो. I said अरे सर हेल्प तो कर दो. अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हो बस इसी तरह करते रहो. एंड जब हम दोनों ने फाइनल कार्ड फर्स्ट टाइम देखा तो दैट्स एग्जैक्टली ही सेड. मैं कह रहा था ना बहुत अच्छा किया है, देखा बहुत अच्छा किया है. आई सेड नहीं सर इससे बेटर हो सकता था. ही इज लाइक यू गर्ल्स आर नेवर सेटिस्फाइड बट आई एम ग्लैड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट. अगर सबको इतना अच्छा लग रहा है तो आई थिंक डिसेंट ही किया होगा. एंड यू आर प्लेइंग अ मोर मैच्योर कैरेक्टर देन योर एज, तो कितना मुश्किल और कितना आसान था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए. क्या-क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? मुश्किल तो था क्योंकि टू प्ले समवन दैट ओल्ड एंड विद अ बच्चा एंड हैविंग अ हस्बैंड एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेफिनेटली वाज नॉट इजी. Even in the head, even to convince yourself that this is the character you're playing wasn't easy. But I think Neeraj Pandey made it a little simple for me. Because we had the first day of workshop, so they told me half an hour to explain the character. That Priya is this, Priya thinks like this, Priya's day is like this, Priya does this. And I came back with that thought and I made sure that it rings in my head for next 2 days. I tried ki, I got into the skin of the character or something, but I tried my best to be Priya even when I was not being shot. Because when I would go in front of the screen, kyunki sirf ek hi din ka shoot tha, I wanted to face the camera for the first time as Priya, looking like Priya, feeling like Priya, how Priya would look, how she would feel, how she would see things, how she would react. So, zaruri tha mere liye ki shoot ke 2 din pehle se I start behaving and feeling like Priya. So I think that's how I prepared for it. Wasn't easy. मुझे इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपकी किरदार की बात करें तो उसके लिए आपने कहा कि मनोज सर के साथ आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की, तो मतलब ऐसा कोई फन मोमेंट था या फिर आपके लाइफ का कोई आउच मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें आप? यार वो वन डे का शूट काफ़ी सीरियस था बिकॉज वी जस्ट हैड वन डे, दैट्स इट, सिर्फ एक ही दिन का शूट था एंड देयर वाज नो टाइम फॉर फन और एनीथिंग. बट मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी बीच में क्योंकि मनोज सर यू नो वेरी वेरी डाइट कॉन्शियस था, मतलब ही इज सो डाइट कॉन्शियस. I don't think उन्होंने ज़्यादा लंच भी खाया होगा, चने खा रहे थे. तो आई सर अरे सर चने खा रहे हो? ही सर हाँ प्रोटीन है, मुंह खोलो मैं भी आपको चने खिलाता. दैट्स इट, सम मोमेंट, सम लाइट मोमेंट्स हियर एंड देयर. ही एंड नीरज सर बोथ मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी कि ऐसा कुछ नहीं था कि नीरज पांडे के साथ शूट करो, मनोज बाजपेयी के साथ शूट करो. इट फेल्ट लाइक वीर ऑल एक्टर्स, वीर ऑल देयर फॉर अ सर्टन जॉब एंड वीर ऑल इक्वल एंड वीर डूइंग द बेस्ट दैट वी कैन डू. एंड आउच मोमेंट तो यार सभी के लाइफ में होते हैं. मेरा मिस वर्ल्ड के स्टेज पे था व्हेन आई कुड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, फ्रैक्चर कर दिया था बाहों अपना. एंड दूसरा था जब आई मिस्ड आउट ऑन अगेन अ नीरज पांडे फिल्म बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट. सो दोज वर द टू आउच मोमेंट्स. आई डोंट वांट एनी मोर आउच मोमेंट्स, आई एम डन विद माय आउच. सो एनी पर्टिकुलर जॉनर यू वांट टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर? ऑल व्हिचएवर इज गुड, व्हिचएवर इज माय थिंग. हां हॉरर नहीं हो पाएगा मुझसे, बहुत बड़ी फट्टू हूँ मैं, हॉरर नहीं हो पाएगा. दीज सेक्स कॉमेडीज एंड
आइटम नंबरिश थिंग्स आई डोंट थिंक आई कैन डू नॉट माय स्पेस बट अदर देन दैट आई वुड वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग और जैसे ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स तो मतलब आपका क्या व्यूज है जो आज के टाइम की जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं उनके क्या व्यूज हैं यार पहले शादी तो होने दो व्यूज कैसे मतलब आई व्हाट डू आई से अबाउट इट वी ऑल नो मतलब आई थिंक द सोसाइटी एंड द ट्रेडिशंस दैट वी कम फ्रॉम ऑब्वियसली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल आई डोंट थिंक इट्स द नाइसेस्ट थिंग टू डू आप एक फैमिली में रहते हैं तो हर एक जन को अफेक्ट होता है इससे बट आई मीन आई एम श्योर द पीपल हु हैव दीस काइंड ऑफ रिलेशनशिप हैव excuses to give themselves because I don't think I would ever have any excuse to give myself and still be at peace that I'm doing something like this. At least I don't think it will feature in my life. So. Okay. आगे चल के कोई नीरज पांडे सर के साथ में आप कोई फिल्म करने वाले हैं कुछ ऐसा कोई प्लान? मुझे तो करनी है अब. Now he's busy. Obviously he's doing another film and which is a prequel to Baby. So let's hope after that. उनका सर तो मैं खाऊंगी. Or which upcoming projects you have shared? Any upcoming projects? Not right now. I think I'll wait and I'm hoping for something nice to come up after Ouch, especially after Ouch. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. क्या कह रहे हो